Afternoon, friends, and today, the 27th of June 2020, Saturday ka din, I welcome you all to my channel Options Trading Concepts. And you can see Nifty 10,500 achieved, 10,700 already written on the thumbnail, coming soon. 10,700 jald hi aa raha hai. Trade plan for 29th June, Monday. WhatsApp number, subscribe ka logo aur Telegram ka logo. Ye hai thumbnail. Chaliye aage badhte hain aur ek ek cheez ko discuss karte hain. And most importantly, watch the video in full. If you get little bit of value for this video, do not forget to share, like and subscribe. If you subscribe, benefits are yours and you are the gainer. My name is Asad Ali, I'm from Kolkata. I'm not a SEBI registered analyst. And what happened on Friday? Nifty opens up at 10297.65. 10348.70 was the high. 10235.25 was the low. 10332 was the close. It shows an enhancement or increase of 86.35 points. That is 0.84% ki breath. Ye tha Nifty ka performance Friday ko. Friday ko Nifty khulta hai 10,300 ke paas. Aur niche bhi aata hai, upar bhi jata hai. Highly volatile tha din. And people, a lot of people could not make money. A lot of people could not execute their trades. Because in general, majority of the people are traders, are subscribed to 30-40 kind of channels, YouTube channels, 20-30 different Telegram groups, 40-50 odd WhatsApp groups. These are free groups. Now what do they do? Every analyst's point of view is different. हर एनालिस्ट का व्यू निकाल के ये लोग मिक्स्ड अप होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं थिंग्स को और ट्रेड लेते हैं और अक्सर ट्रेड में नुकसान होता है. तो चलिए आगे फ्राइडे के बारे में बात करते हैं. एडवांस डिक्लाइन में एडवांस ज़्यादा था, 28 डिक्लाइंस वर 21, अनचेंज्ड वॉज 1. द टॉप लूजर्स वर भारती इंफ्राटेल, इसकी प्रीवियस प्राइस थी 228.45, फ्राइडे की प्राइस है 220. उटाक महिंद्रा प्रीवियस हाई वॉज प्राइस थी 1381, फ्राइडे की प्राइस है 1340. और बजाज फाइनेंस 3005 की प्रीवियस क्लोजिंग थी, फ्राइडे को 2903 बना. तो दीज वर द लूजर्स ऑन फ्राइडे. हु वर द गेनर्स? इन्फोसिस 747, 6.64% की बढ़त. BPCL 394.30, 6.5% की बढ़त. TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2115.20, 4.92% की बढ़त. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC 89.10, 4.76% की बढ़त. इंडसइंड बैंक 493 पे 3.76% की बढ़त. HDFC बैंक 1058 पर 2.89% की बढ़त. विप्रो 225.35, ये भी 3% की बढ़त. तो दिस वॉज द गेनर्स फॉर फ्राइडे. द मोस्ट हाईली ट्रेडेड ऑप्शंस ऑन फ्राइडे, द फर्स्ट टू, दो ही का नाम ले रहा हूँ मैं. 10,400 की कॉल ऑप्शन एक्सपायरी 2 जुलाई, इसकी वॉल्यूम थी, ट्रेडेड क्वांटिटी थी 4,68,477. इसके बाद 10,500 की कॉल ऑप्शन, ये थी 4,50,355, 4,50,355 वॉज द ट्रेडेड वॉल्यूम. 52 वीक्स हाई भी कुछ लगा, बहुतों का लगा, मैं दो तीन का नाम लेता हूँ. आरती ड्रग्स 1,300 रुपये का हाई लगा.
आलोक इंडस्ट्रीज 45.95 पैसा का हाई लगा, बायोकॉन लिमिटेड 410.45 रुपये का हाई लगा। बायोकॉन अगर याद होगा आपको तो मैं अपने वीडियोज़ के द्वारा, वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को 320, 330, 340 में महीने भर पहले काम कराया था, अभी 410 का हाई लग रहा है। द मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स ऊपर नीचे लेके बजाज फाइनेंस, रिलायंस, HDFC बैंक, इंफोसिस, इंडसइंड बैंक, ITC एंड एक्सिस बैंक। ITC में न्यूज भी है, कुछ डिविडेंड आने वाला है। तो ये हो गया आपका स्टॉक्स के बारे में कि फ्राइडे को कैसा मूव था, क्या क्या हुआ, हाई लो क्या था, गेनर्स कौन थे, लूजर्स कौन थे, और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप उन भाइयों के लिए रखा हूँ जो भाई पेड सर्विसेज नहीं ले सकते हैं, मगर उनको कुछ गाइडेंस चाहिए, न्यूज़ चाहिए, अपडेट्स चाहिए, कभी कभी ट्रेड्स चाहिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और आप मुझे व्हाट्सएप में भी मांग सकते हैं। दूसरे नंबर बात, यू विजिट माई कम्युनिटी बॉक्स यूट्यूब चैनल में, यहाँ मैं जब जब समय मिलता है ड्यूरिंग ट्रेड आवर्स मैं ट्रेड्स देता हूँ, और ये ट्रेड्स उन्हीं को मिलता है जो यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं फ्राइडे को क्या काम किया निफ्टी में, सिर्फ निफ्टी का बात करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा ट्रेडेड स्टॉक था, ऑप्शन था 10,500, इस पर काम किया, 53-54 के रेंज से 81 का था, 81 का इसका हाई लगा, 81-82। वी बॉट एंड ट्रेडेड इन द रेंज ऑफ 54-70, 10,300 में काम हुआ। वी बॉट एट 135-34-33 के लेवल्स पे, 165-170 के लेवल्स पे काम हुआ। 10,200 थोड़ा महंगा था, ऑल आ 2nd जुलाई, 190-95 के लेवल्स पे बाई हुआ, 225-228 तक इस पे काम हुआ। 11,000 मंथली 30th जुलाई, इस पे कुछ 10 पॉइंट्स मिला 75-85 के रेंज में। 11,200 कुछ होल्डिंग्स भी थी 30th जुलाई, 43-42 की बाई थी परसों की, इस पे कुछ 8-10 पॉइंट इस पे मिला। तो आप इंट्राडे पोजीशंस और पोजिशनल पोजीशंस में छोटा छोटा, सिर्फ निफ्टी का बात कर रहा हूँ, सिर्फ फ्राइडे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड्स बना था, किसी में 20 पॉइंट, किसी में 15 पॉइंट, किसी में 10 पॉइंट, किसी में 100 पॉइंट नहीं मिला, 10, 20, 30, 35, 40 ये रेंज पे। तो अगर आप सबको ऐड करो तो यू गेट द पिक्चर, इज आराम से सब में अगर एक ही चौट काम करो तो 60-70-80 पॉइंट तो ऐसे बन रहे, सिर्फ निफ्टी में अलोन इंट्राडे में। पोजीशंस कुछ होल्ड है और कुछ आगे की होल्ड भी थी। बैंक निफ्टी का एक्टिविटीज़ मैं बैंक निफ्टी के वीडियो में शेयर करूँगा जो अपलोड होगा कल सुबह। अभी मैं अपने प्लान ए के बारे में बात करता हूँ। पेज सर्विसेज का प्लान ए है, प्लान ए में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शंस, तीनों के ऑप्शंस में ट्रेड रोज़ाना मिलेगा, इंट्राडे भी मिलेगा, पोजिशनल भी मिलेगा। निफ्टी के ट्रेड्स में आपको इंट्राडे में 10, 15, 20, 25, 30 पॉइंट्स मिलेगा पर लॉट, 40, 50, 70, 80, 100, 150, कभी कभी 200 पॉइंट्स भी पर लॉट में मिलता है। बैंक निफ्टी के में आपको 50-60 पॉइंट मिनिमम पर लॉट में मिलेगा, अप टू 200 पॉइंट्स इंट्राडे में। 200, 300, 400, 500 पॉइंट्स भी मिलता है पोजिशनल ट्रेड्स में। स्टॉक ऑप्शंस में 2,000-5,000 रुपए पर ऑप्शन पर लॉट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप।
सॉरी गॉट अ कोल्ड, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए स्टॉक ऑप्शंस में पोजिशनली कैरी करने से प्रॉफिट्स देखने को मिलता है। देखिए यहाँ मैं बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ, आई एम बीइंग वेरी क्लियर, अगर मैं निफ्टी में आपको बोलता हूँ कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट तो ये मान के चले, गेट दिस वेरी क्लियर दैट हर ट्रेड में 50 मिलेगा या 200 मिलेगा ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेंड, इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट में मार्केट कितना वॉलेटाइल है, एंट्री कहाँ हो रहा है, एग्जिट कहाँ हो रहा है, बट 100 बात की एक बात टू करेक्ट शॉर्ट, प्रॉफिट्स रोजाना मिलेगा। आप डेली काम करोगे डेली मिलेगा, हर स्क्रिप्ट में हर स्टॉक पे हर ट्रेड पे आपको काम करना है, भले आप एक लॉट से करो। कुछ ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत भाइयों का इंक्वायरी रहता है, देखिए सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में आप इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 40-50,000 की कैपिटल की ज़रूरत है, और स्टॉक ऑप्शंस पे काम करने के लिए पोजिशनल एडिशनल 40-50,000 की कैपिटल की ज़रूरत है। मेरा चार्जेस बहुत रीजनेबल है, इतना बता सकता हूँ कि आप जो मुझे चार्ज दोगे वो चार्ज डे वन में रिकवर अक्सर हो जाता है, कभी कभी जिसे बोलते हैं गॉड फॉरबिड खुदा ना खास्ता अगर लेट होता है तो शायद सेकेंड डे में आपका रिकवर हो जाए अगर मार्केट स्थिति के अनुसार, तो बाकी पूरा महीना जो आप काम करोगे वो आपका बोनस है। क्रूड ऑयल का एक पैकेज स्टार्ट किया है, क्रूड का ओनली क्रूड, जहां रोज़ाना आपको 30, 40, 50, 60 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 30 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट आपको ट्रेड्स मिलेगा क्रूड में। इसकी पैकेज अलग है, ये मंथली सिस्टम है, यू हैव टू सब्सक्राइब, यू हैव टू पे एंड यू हैव टू स्टार्ट द सर्विस। आपको क्रूड मिलता जाएगा, मिनिमम आपकी टारगेट्स 25 से 30 पॉइंट रहेगी, इतना ये बोल सकता हूँ कि रोज़ाना आपका 30, 40, 50 पॉइंट डेली यू गेट टू अर्न कम्फर्टेबली 3,000 to 5,000 रुपीज़ पर डे मिनिमम इफ यू आर वर्किंग इन वन लॉक क्रूड फ्यूचर। बहुत भाई ऐसे हैं जिनको दिक्कत हो रहा है अपने ब्रोकर के साथ, नाम नहीं ले सकता हूँ लोग मेरे ऊपर केस कर देंगे, मगर बहुत सारी ब्रोकर्स की सर्वर हैंग हो जाती है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। आपको 11,200 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन बहुत सारे भाई ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि देयर ब्रोकर इज़ नॉट अलाउइंग। मेरा ब्रोकर तो मुझे 12,000 का कॉल ऑप्शन अगस्त महीने का अलाउ करता है। अगर आपको दिक्कत है ये सब प्रॉब्लम्स है या आपको क्रूड पे काम करना है मगर मार्जिन कम है, अक्सर ब्रोकर्स आर चार्जिंग 40-50-60,000 फॉर वन लॉट क्रूड फ्यूचर, एक लॉट में 60,000-70,000 लेते हैं कई ब्रोकर्स। अब आप क्या करेंगे, आपके पास कैपिटल 30,000, आपको क्रूड में काम करना है, आपके पास कैपिटल 20,000, आपको क्रूड में काम करना है, आपको निफ्टी फ्यूचर में काम करना है, आपके पास कैपिटल 20,000 है, क्या करें? 8902120090 में संपर्क करें मेरे थ्रू से, मेरे ज़रिए से सॉरी अगर आप एलिस ब्लू में अकाउंट खोलते हैं तो आपको रोज़ाना लाइफ टाइम ट्रेड्स मिलेगा कैश में, फ्यूचर्स में, क्रूड में, ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में। ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि रोज़ाना हर में एक एक मिलेगा या दो दो मिलेगा, मगर हाँ इतना कोशिश करूँगा डेली बेसिस में आपको हर सेगमेंट में एक ट्रेड कम से कम मिलेगा ताकि आप ट्रेड कर सकें और पैसे कमा सकें। इसमें आपको कोई सर्विस चार्ज, कोई प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस आपको देना नहीं है। आप मुझसे जब संपर्क करिएगा 8902120090 में तो काइंडली प्लान ए लिख, अपना नाम लोकेशन तो लिखिएगा लिखिएगा, एलिस ब्लू में खुलवाना है तो एलिस ब्लू लिखिएगा, क्रूड लेना है तो क्रूड लिखिएगा, ऑप्शंस पे काम करना है तो प्लान ए ऑप्शंस लिखिएगा, फ्री टेलीग्राम लिंक चाहिए तो लिख दीजिएगा फ्री टेलीग्राम लिंक, मगर नाम अपना इंट्रोड्यूस परिचय तो दीजिए ताकि आपसे बात करने में मज़ा आए कि आप संजय बोल रहे हैं या असलम बोल रहे हैं कि एंथनी बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। तो ये है, और दो पुराना ट्रेड था कमिंस, इसका हाई बना 417 रुपया 40 पैसा
और सिंस मैं थर्सडे फ्राइडे को वीडियो नहीं बनाया था तो टाटा मोटर्स का अपडेट मैं दे दूँ, 110 रुपये 80 पैसे का अभी तक हाई लगा है। फ्राइडे को क्लोजिंग 101 रुपये 100 रुपये के पास हुई थी। पोजिशनल ट्रेड है, हर ट्रेड की तरह इसका भी समय आने पर प्रॉफिट बुक किया जाएगा। तो ये था निफ्टी के ऊपर में, मैं दो वीडियो और दे रहा हूँ, कल एक बैंक निफ्टी के ऊपर मैं वीडियो दूँगा और एक वीडियो इसका भी, वो बेशक अलग है मगर इट्स वेरी डिफरेंट। इट हैज़ टू डू एवरीथिंग विथ एडुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, लर्निंग, इम्प्रूवमेंट, लॉस रिकवरी एंड सॉल्यूशंस, सो दैट यू मे स्टॉप लूजिंग योर हार्ड एंड मनी इन द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो इन फुल। Kindly consult me for any of your needs. Take advice. It does not cost any money. Have a splendid and awesome Saturday. Be protected. Watch my other videos. Don't forget to like and share. Subscribe if you want more. And let's all get blessed in profits together. Jai Hind.